जी बिल्कुल, देखिए जैसे कॉफी है स्टेनिंग कर सकती है दांतों को, वो आपके दांतों के स्टेन्स कई बार कॉफी बहुत ज्यादा, अगर आप कॉफी इंटेक ले रहे हैं, चाय इंटेक ले कर रहे हैं, चाय ले रहे हैं, तो उससे आपको स्टेनिंग का प्रॉब्लम रहता है, दांतों में पीलापन हो जाता है, दांतों में डिपॉजिट्स हो जाते हैं, स्टेन्स हो जाते हैं ब्राउन कलर के, जो खराब दिखते हैं, फिर आपको प्रोफेशनल क्लीनिंग की, डेंटल क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है, जिसको हम स्केलिंग बोलते हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा कॉफी का इंटेक आपके दांतों को थोड़ा हैम्पर कर सकता है। बिल्कुल, और इसके अलावा डॉक्टर देखिए दांतों की बात तो हम कर रहे हैं, दांतों को स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन दांत जो जुड़े होते हैं वो मसूड़ों से जुड़े होते हैं, तो वो कितने हेल्दी रहने चाहिए, क्योंकि पूरी कनेक्टिविटी दांतों की उसी से ही होती है। जी जैसा कि मैंने कहा आपको कि पूरा ओरल कैविटी का हाइजीन मेंटेनेंस जरूरी है, मसूड़े भी उसी में आते हैं। मसूड़ों में क्या है कि मसूड़ों का प्रॉब्लम्स तो बहुत ही ज्यादा इंडियन पॉपुलेशन में है, क्योंकि या तो कह सकते हो अवेयरनेस की कमी है या मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो मसूड़ों में प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलता है। जैसे जिंजिवाइटिस हो गया, मसूड़ों का सूजन जिंजिवाइटिस बोलते हैं, उसमें रेडनेस हो जाता है मसूड़ों में, अगर आपने उस स्टेज पे गौर नहीं किया, थोड़ा ब्लीडिंग होने लगी ब्रशिंग करते वक्त, गौर नहीं किया आपने, उसको इग्नोर कर दिया, तो वो फिर पेरियोडोंटाइटिस स्टेज में आ जाता है, पायरिया जिसे हम आम भाषा में बोल देते हैं, जिसके अगर उसको भी इग्नोर करते हैं तो दांतों में ढीलापन आ जाता है, क्योंकि पेरिडोन्सम जब तक स्ट्रांग नहीं रहेगा, आपके दांत जिस मसूड़े में और बोन में जिसमें एम्बेडेड है वो स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो आपके दांत हिलने लगते हैं। तो अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो कुछ दिनों में मसूड़ों का प्रॉब्लम, दांत हिलने लगेंगे, हिल के गिरने लगेंगे, फिर रिप्लेसमेंट कराओ, प्रॉब्लम है। अगर आप उनको मेंटेन रखेंगे तो वो आपका हमेशा साथ देंगे, वो दांत आपका हमेशा और भी सवाल लोगों के ये है कि आज से अगर हम 20-25 साल पहले देखें तो तब लोगों के दांत उतने खराब नहीं होते थे जितने अब तेजी के साथ लोगों के दांत खराब हो रहे हैं, क्या लाइफस्टाइल इफेक्ट डाल रहा है या फिर जो हम नए नए टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं? देखिए जब हम टीवी पर ऐड देखते हैं या किसी से सुनते हैं कि ये वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो नीम हो, सॉल्टी हो, नींबू हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, तो हर चीज़ हम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे दांत जो है वो वाइट रहे, स्वस्थ रहे। तो अगर 20-25 साल पहले की हम बात करें तब इतने ऑप्शंस नहीं थे हमारे पास, तो क्या कंपैरिजन हो सकता है, क्या वजह हो सकती है दांतों का जल्दी खराब होने की? जी बिल्कुल, लाइफस्टाइल तो एक सबसे बड़ा इसमें रोल प्ले करता है, पहले के लाइफस्टाइल में और अब के लाइफस्टाइल में बहुत ही फर्क है। पहले इतना जंक फूड नहीं होता था, इतना टॉफी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, इतना प्रचलन इतना था नहीं। अभी क्या है कि लोगों का लाइफस्टाइल उसी तरह से हो गया, खाने पीने का समय नहीं है, समय है तो थोड़ा जंक फूड ले लिया, चॉकलेट खा लिया दिन में दस, और उसके बाद हाइजीन मेंटेनेंस का कोई वैसा नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा आप ये बात तो बोल रहे हैं, लेकिन हाँ उसके उसके साथ साथ डेंटिस्ट्री में बड़ा एडवांसमेंट आया। पहले क्या था, दांत खराब होता था तो दांत निकालना पड़ता था जी। लेकिन अगर आप अवेयर रहेंगे, आज डॉक्टर्स के पास दिखाएंगे सही टाइम पे, हर 6 महीने बाद आप एक डेंटल चेकअप लेना जरूरी होता है, अगर वो करेंगे तो आराम से मेंटेन हो सकता है, क्योंकि आजकल हमारे पास ज्यादा सुविधाएं हैं, हम ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। जो दांत में अगर डिके है तो उसको हम रूट कनाल ट्रीटमेंट से ट्रीट कर सकते हैं, अगर कोई मिसिंग टीथ है तो उसके लिए हम डेंटल इम्प्लांट से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, या ब्रिज ऑप्शन है, या फिर और भी रिप्लेसमेंट के ऑप्शन है जिससे हम कर सकते हैं। दांतों को टेढ़ा मेढ़ा अगर हो गया है तो उसके सीधा करने के लिए आजकल हमारे पास इनविजिबल अलाइनर्स हैं, ब्रेसेस हैं, ये भी एक फर्क पड़ा है, लेकिन हाँ लाइफस्टाइल तो एक बहुत बड़ा। बिल्कुल डॉक्टर प्रशांत, इसके अलावा देखिए कई बार हमें दांतों में पेन होता है या मसूड़ों में दर्द होता है या ब्लीडिंग होती है, हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं, हम कोई भी पेन किलर ले लेते हैं, वो पेन किलर खाकर हम काम चला लेते हैं, ये कितना हार्मफुल हो सकता है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे दांतों के लिए या मसूड़ों के लिए? जी जी बिल्कुल, ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि सिर्फ पेन किलर से आपको सिर्फ जो टेम्पररी पेन हो रहा है उसमें रिलीफ मिलेगा, जो डिजीज आपका प्रोग्रेशन कर रहा है उसको तो रोक नहीं पाएंगे आप, वो वही के वही बढ़ रहा है, क्योंकि मसूड़ों को और ज्यादा वीक कर रहा है और आपके दांतों को फिर अल्टीमेटली वो हिलने लगेंगे और दांत से फिर आपको हाथ धोना पड़ जाता है, फिर मिसिंग हो जाता है, दांत को निकालना पड़ता है या वो खुद ही हिलकर गिर जाते हैं। तो सही टाइम पर चेकअप होना बहुत जरूरी है। अगर आपके दांत हेल्दी है फिर भी आपको आफ्टर एवरी 6 महीने एक बार रेगुलर डेंटल चेकअप कराना चाहिए, कि कोई दिखे इनिशियल स्टेज पे तो नहीं है जिसको हम सिर्फ फिलिंग से ठीक कर सकें या बहुत ही माइनर ट्रीटमेंट से ठीक कर सके, और आपको मेजर ट्रीटमेंट्स जैसे रूट कनाल ट्रीटमेंट हो गया या फिर गम्स की फ्लैप सर्जरी वगैरह हो गई या फिर और एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़े और
कम ट्रीटमेंट से ही काम करता है।